कांग्रेस द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व नागरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह, कुलार चौधरी, विपिन वनखेड़े द्वारा आगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नगर में बनाए गए कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। कानर नगर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी, विधायक रामलाल मालवीय व अन्य नेतागण शनिवार को नगर में उपचुनाव को लेकर विपिन वनखेड़े के समर्थन में जनसभा संबोधित किया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, विपिन वनखेड़े विधायक ही नहीं बनेगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस परिवार की हत्या की है। एक मुख्यमंत्री जिसको हमने हमारा नेता है सुना था, उसने हमारी ही पीठ में छुरा घोपा दिया है। यह याद रखने की बात है, हर कांग्रेस को दो सगे भाइयों का झगड़ा हो जाए, समाज और इतिहास उसके भाई का हत्यारा मानता है। सिंधिया ने एक परिवार के साथ ही होने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की हत्या की है। कानड़ क्षेत्र को बीमा की जो सहायता पूरे प्रदेश में मिली, कम मिली, ज्यादा मिली, यहाँ मिली या नहीं मिली, हाँ या ना? हम आज ही पत्र लिखेंगे। पत्र नहीं, अभी मिली या नहीं मिली ये बताओ। अभी नहीं। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली, कारण क्या? बीमा जो है, बीमा राशि अभी प्राप्त होना शुरू हुआ है। अरे पूरे प्रदेश में तो कह रहे हैं हमने दे दिया, मुख्यमंत्री ने एक बटन उज्जैन में दबाया। दोनों तरह की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मतलब कानड़ की जनता से बदला लेना चाहते हैं। ये कल मुख्यमंत्री जी आए, कानड़ को अगर बीमा नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजा देंगे यहाँ के किसान। ध्यान रखना है, दो भैया इनको।